नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और रण 2024 में आपका स्वागत है। 2024 के रण का बिगुल देश की दो बड़ी पार्टियों ने फूंक दिया है। 2024 में दिल्ली फतेह के लिए विपक्ष मंथन कर रहा है, तो वहीं एनडीए मंगलवार को यानी कि आज बड़ी बैठक का आयोजन करने वाली है। इसमें 30 से ज्यादा गुटों के जुटने की संभावना है। 6 नए दलों को भी एनडीए में शामिल किया गया है। दारा सिंह चौहान की बीजेपी में ऑफिशियली एंट्री हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं मुख्तार के बेटी अब्बास को लेकर नई पेचीदगी सामने आई है। वो है तो SBSP के विधायक, लेकिन अब SBSP में के एनडीए में शामिल होने के बाद वो एनडीए के खेमे के विधायक हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। बड़ी खबर आरएसएस बीजेपी भी पूर्वांचल पर नजर। आज से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यूपी का दौरा। अगले 5 दिनों में पूर्वांचल के कई जिलों का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख का पूर्वांचल का दौरा है, तो अलग अलग संतों और आश्रमों में दर्शन पूजन भी करेंगे। पूर्वांचल के दो बड़े नेता भी बीजेपी के साथ आए हैं, ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान ने बीजेपी का दामन थामा है। और ऐसे में अब आरएसएस प्रमुख भी पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं, जो कि काफी अहम माना जा रहा है। अलग अलग संतों और आश्रमों में दर्शन पूजन करेंगे, संतों का आशीर्वाद लेंगे। तो पूर्वांचल के दो बड़े नेता बीजेपी के साथ आ गए हैं, ओपी राजभर और दूसरे दारा सिंह चौहान, जिससे एनडीए पूर्वांचल में और ज्यादा मजबूत हो गई है। दारा सिंह चौहान की ऑफिशियली बीजेपी में एंट्री हो गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद विरोधी खेमे में बेचैनी भी देखी जा रही है। आने वाले 24 में हिंदुस्तान के दोबारा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक बार फिर बीजेपी के हुए दारा, पूर्वांचल में सहारा, एसपी से किनारा। बीजेपी के साथ करेंगे सत्ता का गुणा भाग। कमल का होगा 24 का महाचुनाव। यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और एसपी के सीनियर नेता दारा सिंह चौहान सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। हाल ही में दारा सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद घोसी के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। दारा सिंह चौहान की वापसी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में निकली विकास यात्रा को अपना समर्थन देते हुए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने भी उनका खुले दिल से स्वागत किया है। गरीब कल्याण का काम जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा भरोसा आने के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही के रूप में आज मेरी घर वापसी हुई है। एक के कार्यकर्ता सिपाही बन करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए एक एक लोकसभा जिता करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। दारा सिंह चौहान जी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा में वो अपना समर्थन देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं अपने परिवार में उन्हें सम्मिलित करते हुए और उनके साथ जो लोग आए हैं, बड़ी संख्या में प्रदेश भर से उनके समर्थक, पंचायतों के प्रतिनिधि और अन्य जनप्रतिनिधि हमारी परिवार का हिस्सा बने हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका आगमन हमारी यात्रा को, हमारी विकास यात्रा को जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसे और मजबूत करेगा। और 2024 में विश्व के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, गरीब कल्याण के लिए समर्पित, देश के उत्थान के लिए समर्पित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भी देश में एक शक्तिशाली सरकार बनाने के लिए जो 73 का आंकड़ा है, उसे उत्तर प्रदेश से पार करके
80 सांसदों की एक फौज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाने के लिए देने का संकल्प निश्चित तौर से सफल होगा और दारा सिंह जी भाई साहब के आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। वही विरोधी दल दारा सिंह की बीजेपी में वापसी पर खासा बेचैन नजर आ रही है। देखिए, कोई भी नेता समाजवादी पार्टी को धोखा देके जाएगा उसका हाल भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। इतना हम जानते हैं अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में कि जो जो बीजेपी में गए, एमपी हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बीजेपी पार्टी के सामने न पिछड़ों की बात को दमदारी से कह सकते हैं, न पिछड़ों के ऊपर हो रहे अन्याय को कह सकते हैं, न दलित भाइयों के साथ जो सामाजिक असमानता है उनकी बात वहां कह नहीं सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है दारा सिंह चौहान ने न सिर्फ जनादेश का अपमान किया है जो कि समाजवादी पार्टी को उनके क्षेत्र में मिला, बल्कि 2022 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो ना उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यालय कभी आने का प्रयास किया, ना उन्होंने समाजवादी पार्टी के संगठन में काम किया। मुझे लगता है ये सत्ता लुलुपता में डूबे हुए लोग हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है, दारा सिंह चौहान ने जिस सीट से इस्तीफा दिया उसी सीट से वो उपचुनाव लड़ेंगे और योगी कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। आजमगढ़ के गेलबारा के रहने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान, पूर्वांचल के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं। दारा सिंह चौहान 1996 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने, 2000 में फिर एक बार राज्यसभा सांसद बने, 2009 के चुनाव में कोसी लोकसभा सीट से जीत हासिल की, 2015 में बीजेपी में शामिल हो गए, मधुबन विधानसभा से 2017 में चुनाव लड़ा, चुनाव के बाद यूपी सरकार में बीजेपी की सरकार बनी। दारा सिंह चौहान को वन और पर्यावरण मंत्री बनाया गया, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एसपी में हुए शामिल। दारा सिंह से पहले रविवार को उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव हुआ, एसपीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे काफी अहम माना जा रहा है। जातीय दिग्गजों को साध कर बीजेपी अब अपने पुराने वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। टीम न्यूज स्टेट। दो हजार चौबीस के रण का बिगुल देश की दो बड़ी पार्टियों ने फूंक दिया। 2024 में दिल्ली फतेह के लिए विपक्ष मंथन कर रहा है। सवाल यह है कि क्या अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियां 2024 में एक बैनर तले मैदान में उतर पाएंगी, और अगर उतरती भी हैं तो एनडीए का सामना कर पाएंगी। विपक्ष का नया गठजोड़, 24 में आएगा नया मोड़। विपक्ष का जुटान, 24 के लिए मेगा प्लान, वन फॉर वन फॉर्मूले पर बात या अपनी ढपली अपना राह। एंटी मोदी ब्रिगेड की दूसरी मंथन जारी है। विपक्ष की एकता कितनी मजबूत है इसका जवाब बेंगलुरु की मीटिंग में मिल जाएगा। इस मीटिंग की खास बात यह है कि इसमें वो पार्टियां भी शामिल हो रही हैं जो पटना में नहीं थी। 23 जून को पटना में हुआ था मंथन, नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई थी मीटिंग। इस बैठक में 17 पार्टियां हुई थी शामिल। बेंगलुरु की मीटिंग में 26 पार्टियां एक मंच पर। विपक्ष की मंशा साफ है कि 2024 के चुनाव से पहले मोदी की घेराबंदी की जाए। इस बैठक का मकसद मौजूदा पीएम मोदी के खिलाफ दमदार विपक्ष तैयार करने की कोशिश है। संदेश स्पष्ट है, संदेश इस देश की जनता को है कि आप चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, आपके मुद्दे उठाने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, अपने अपने स्वार्थ को सब छोड़कर आ रहे हैं ताकि लोगों की समस्याओं का हम निदान कर सकें। 9 साल में त्रस्त हो गए हैं लोग। 2024 के आम चुनाव को लेकर विपक्ष ने एकता के दांव को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इस मीटिंग में 3 एजेंडा चर्चा में है। पहला, चुनाव में विपक्ष की एकजुटता। दूसरा, राज्यों में सीट शेयरिंग। और तीसरा, यूपीए का नया नाम। विपक्ष जानता है कि पीएम मोदी को अकेले टक्कर नहीं दी जा सकती, इसके लिए विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा। 100 फीसदी 99 भी नहीं। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी?
और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। इस देश को बर्बाद करने का जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो भाजपा के अलावा किसी का नाम नहीं। आज मणिपुर में जो आग लगी है फिरका परस्ती की, दो समुदाय की, दो जिन्हें आप कहेंगे विभिन्न विचारधाराओं के लोग, लगाई हुई भाजपा। विपक्षी एकता को झटका लगता भी नजर आता है जब बेंगलुरु की मीटिंग से तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव, आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी, आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक दूरी बनाते हैं। विपक्षी एकजुटता की कवायद पर बीजेपी खुलकर हमला कर रही है। देखिए, हम जो एक चीज बहुत साफ देख रहे हैं, ये 24 के चुनावी चूल्हे पे जो ख्याली खिचड़ी है वो खानदानी खुरचन बन के साबित होगी, क्योंकि ये 24 के चुनावी चूल्हे पे जो बन रही है ख्याली खिचड़ी वो खानदानी खुरचन इसलिए साबित होगी कि ख्वाहिशें तो एक है लेकिन खानदान अनेक हैं। तो इसलिए जो है वो सपने एक और मुंगेरी अनेक जहां पर होंगे तो वो इसी तरह के हालात दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अभी से जो है वो गठबंधन की गठरी को जो है वो हाईजेक करने की एक्सरसाइज शुरू हो रही है, और इन लोगों की ख्वाहिशें, मैंने इसीलिए कहा ना कि ख्वाहिशें जो है वो एक है सबकी। एक तरफ विपक्ष मंथन कर रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे नहीं है। जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की मीटिंग बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करेंगे। एनडीए की बैठक पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तंज कस रहे हैं। सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है तो मेरे से, मैं एक ही काफी हूँ बोले तो फिर क्यों 30 लोग पार्टियों को जमा रहे, और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। विपक्ष का फार्मूला बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करना है। इसके लिए विपक्ष 2014 और 2019 में बीजेपी के विरोध में पड़े वोटों को नजीर मानकर योजना बना रहा है। साल 2014 के आम चुनाव में एनडीए को 38.5% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को कुल 61.5% वोट मिले। 2014 ही नहीं, 2019 में भी बीजेपी के विरोध में पड़े वोटों को लेकर विपक्ष के हौसले बुलंद थे। विपक्ष का गणित है 2019 में एनडीए को 45% वोट मिले, जबकि पूरा विपक्ष मिलकर 55% वोट अपने पाले में कर पाया था। विपक्ष की पूरी प्लानिंग बीजेपी विरोधी वोटों के ध्रुवीकरण पर टिकी है, लेकिन क्या वोटों का गणित वाकई इतना सीधा है, इसी सवाल के जवाब पर 2024 का चुनावी खेल टिका हुआ है। की न्यूज स्टेट। दिल्ली में आज एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें 38 दलों के जुटने की संभावना है। 6 नए दलों को भी एनडीए में शामिल किया गया है, जबकि विपक्ष एनडीए की इस बैठक को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। संसद के मौसम सत्र और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और विपक्ष के बीच अपने अपने अगुवाई वाले गठबंधन का बड़ा तारा दिखाने की रस्साकसी शुरू हो चुकी है। सोमवार को एक मंच पर विपक्षी दलों के जुटान में करीब 26 दलों के शामिल होने की चर्चा है। इसके जवाब में बीजेपी मंगलवार को होने वाली एनडीए की बैठक में 30 दलों को जुटाएगी। बहुत भारी रहेगा, मतलब हमारा वोट प्रतिशत 50 से अधिक उत्तर प्रदेश में आज है, और देश में आप देखेंगे कि प्रचंड बहुमत की 2024 में बीजेपी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। सभी का स्वागत है, मैं हृदय खोल करके सबका स्वागत करता हूं जो भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों में भरोसा रखते हैं, विश्वास जताते हैं, हम सबके साथ हैं। हमने बताया ना कि जो लोग भी इस राष्ट्र के निर्माण में समर्थन देना चाहते हैं उनका स्वागत है और उनको आना चाहिए, और लोग भी जब समझ में आएगा तो लोग जुड़ेंगे। धर्म सिंह सैनी जैसे छोड़ के गए थे, लौटने का राह खुला है? देखिए, दारा सिंह चौहान जी छोड़ के गए थे, इस्तीफा देकर के लौट के आए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का अलायंस
समाजवादी पार्टी से हो गया था, अब माननीय अमित शाह जी से मिलकर के वो इस एनडीए में शामिल होने का काम कर रहे हैं, और जिन लोगों की भी समझ में आ जाएगा देर समय में वो आ सकते हैं। विपक्ष के मुकाबले एनडीए की बड़ी ताकत दिखाने के लिए बीजेपी ने बीते एक हफ्ते में 6 नए दलों को जोड़ा है। एनडीए में पहले से 24 दल शामिल थे, इन 6 नए दलों के जुड़ने के बाद एनडीए में शामिल दलों की संख्या 30 हो गई। एनडीए में कौन कौन? बीजेपी, एनसीपी, अजीत को, एलजेपी, रामविलास, एचएम, आरएलएसपी, बीआईपी, एसपीएसपी, शिवसेना, शिंदे को, एआईएडीएमके, एनपीपी, एनडीपीपी, जेजेपी, एसके, पीपीपी, आईएमकेएमके, आईटीएफटी, एजेएस, एमएनएफ, तमिल वनिला कांग्रेस, बीएमके, अपना दल एस, एमजीपी, एजीपी, एलजेपी, निषाद पार्टी, यूपीपीएल, अखिल भारतीय एनएल कांग्रेस पुडुचेरी, अकाली दल ढिंडसा, आरपीआई और जनसेना। इधर विरोधी पार्टियां एनडीए की इस बैठक को लेकर सवाल भी उठा रही हैं। एनडीए के बैठक के बुलाने से थोड़े कुछ होता है, वो तो पूरे बिहार के लोगों ने और पूरे देश की जनता ने वो एनडीए को देख लिया है कि किस तरीके से देश के साथ धोखाधड़ी इन लोगों ने करने का काम किया है। देखिए, जो जहां जाना है वो जाएंगे, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि बीजेपी के अंदर पिछड़े वर्गों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में उनके प्लेटफार्म पर नहीं बोल पाएंगे। ये घबराहट, ये चिंता है भाजपा की, दीवार पर लिखी हुई इबारत साफ पढ़कर पराजय। 62% विपक्ष सामने जनता के साथ खड़ा है, और इधर कौन से ऐसे ऐसे दल इसमें शामिल हो रहे हैं जिनके दफ्तर में साइन बोर्ड ही नहीं, जिनके दफ्तर में कोई जन समर्थन नहीं है, वो है जो कल तक गाली देते थे। बहरहाल, विपक्ष और एनडीए के बीच खुद को बड़ा दिखाने की होड़ चल रही है, दोनों तरफ से छोटे छोटे दलों को खींचने की कवायद जोरों पर है। इन बनते बिगड़ते समीकरणों को देखते हुए लगता है कि 24 का रण खासा दिलचस्प होने वाला है। टीम न्यूज स्टेट। और अब बात बाढ़ बारिश की।